खेल खत्म नहीं हो रहा है, अलबत्ता बढ़ता ही जा रहा है। चलिए इस पर अपडेट हासिल करते हैं और सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी, अपने संवाददाता का, शरद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी सियासी गहमा गहमी कहां तक पहुंची है, क्योंकि आप राजस्थान में मौजूद हैं, तो अभी जमीनी हकीकत क्या है, मुख्यमंत्री पद को लेकर ये रेस, ये जंग कहां तक चलेगी? देखिए, रविवार को जो ट्रेलर दिखाया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसकी पिक्चर बाकी है। केसी वेणुगोपाल ने 2 दिन का वक्त दिया था ये बताने के लिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बता दिया कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। और एक बड़ी खबर ये बता दूं कि अशोक गहलोत के गुट के 10-12 जो मंत्री विधायक हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम इस्तीफा वापस नहीं लेंगे तब तक जब तक अशोक गहलोत के नाम की घोषणा केसी वेणुगोपाल नहीं कर देंगे, यही मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी भले ही कह रहे हैं कि बात सोनिया गांधी की मानेंगे, मगर बात अपनी ही करेंगे, इसको लेकर यहां पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अफसोस हालत यह है कि आज 4 दिन हो गए राजस्थान सरकार छुट्टी पर है, मंत्री जो इस्तीफा दे दिए हैं वो कार्यालय नहीं जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, ऐसी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उधर जो सचिन पायलट का खेमा है, वो कह रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने 6 सर्वे कराए हैं जुलाई से लेकर अब तक, उन सर्वे में आया है कि सचिन पायलट सबसे पॉपुलर हैं। अब इसमें अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे नहीं, और सचिन पायलट का खेमा कह रहा है कि हम पीछे हटेंगे नहीं, तो ये सरकार गिरेगी, कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे सीधे जो चुनौती उस रात को दी थी, और उन्होंने कहा था मैं अंदर तक हिल गया हूं, कांग्रेस पूरी हिली हुई है, और ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि यहाँ से आगे का रास्ता है क्या। अब लगता है मुझे कि सब इंतजार करेंगे, शाम 6 बजे वक्त हो जाएगा केसी वेणुगोपाल के उस वक्त का कि जिन्होंने कहा था कि 2 दिनों में हम बता देंगे कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। जी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात चल रही थी, दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच सचिन पायलट की खामोशी, उनका धैर्य, उनका पेशेंस किस तरफ इशारा देता है, उनके समर्थकों के बीच चुप्पी, इंतजार किस बात की? देखिए, संदेश साफ है, सचिन पायलट के साथ कांग्रेस आलाकमान है। अब ये हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये स्थिति क्यों है कि अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान से अलग हो चुके हैं। उसमें जो हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जुलाई से अब तक जितने सर्वे हुए हैं उसमें सचिन पायलट को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है, और ये जो अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बात हो रही थी उसमें भी ये सर्वे के आधार पर हो रही थी। 60% लोगों ने कहा था कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें नीचे थे, मगर इस तरह की स्थितियां बनी कि सर्वे। जी शरद, ये सब कुछ तय होता है, संख्या बल निर्धारित करता है, तो संख्या बल की अगर मैं बात कर लूं, आप जयपुर में चुकी हैं, सूत्रों के मुताबिक भी जानकारी मिल रही है, और कई जगह पर आप पूछताछ भी की होगी, गहनता से छानबीन भी की होगी, अगर आंकड़ों की बात कर ले तो कुल कितने विधायक किस खेमे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट के पास कितने समर्थक होंगे और अशोक गहलोत के पास कितने समर्थक होंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने आशुतोष, इसलिए कि जो वहां पर इस्तीफा लिखकर आए थे वो अजय माकन को फोन कर रहे हैं हम पार्टी के साथ हैं, फिर वो सचिन पायलट को भी फोन कर ले रहे हैं, फिर अशोक गहलोत को भी फोन कर ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे फेंस पर बैठे हैं कि कांग्रेस आलाकमान फैसला क्या लेगा। और इसीलिए जो हमारी खबर है उसके अनुसार जो हमें सूचना मिली है कि बहुत जल्दी विधायक दल की बैठक बुलाने की घोषणा होगी, जिसमें 1-to-1 विधायकों से राय ली जाएगी और एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जो 75 साल की परंपरा टूटी थी कांग्रेस में वो परंपरा स्थापित की जाएगी, इसलिए कि कांग्रेस आलाकमान का इकबाल बुलंद हो। और इसकी घोषणा मुझे लगता है कि आज केसी वेणुगोपाल कर देंगे या फिर कल कर देंगे, और इस तरह से दोनों पक्ष जो है एक ग्राउंड पाकर सहमत होगा कि हम विधायकों की राय पर आगे बढ़ेंगे। ये एक तरीका है आगे निकलने का, जिसे मुझे लगता है कि आज शाम तक घोषणा हो जानी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। जी।